वेलकम बैक टू माई चैनल। सो दोस्तों अज की वीडियो के वेलकम करता हाँ। अज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास लेके आया हाँ थोड़े लिए, क्योंकि अज गुरु साहब के दर्शन कर आए हाँ, जिन्हें दसवीं पातशाही ने इतने ग्रंथ लिखे थे। बाबा दीप सिंह की इतने शहीदी हुई सी, जो कि मुगलों ने इतने उन्होंने खोपड़ी उतार दिती सी। तो कई बार देखा होगा यूट्यूब पर या खुद भी आके इतने मैं आया हाँ बठिंडा वाली साइड तलवंडी साबो, जिथे एक बहुत ही इतिहासिक गुरद्वारा है, जिथे अपने गुरु साहब ने भी शहीदियाँ दित्तियां ते बाकी ग्रंथ भी लिखे गए। बाकी होर भी कुछ ना कुछ खास हैगा इत्थे, क्योंकि मैं इन्ना पता नहीं, बाकी तुहानू दिखा दिंदा आ अगे जाके। तो बने रहो वीडियो दे विच, वीडियो वधिया लगे तो वीडियो नू कर देना लाइक। तो शुरुआत होंदी आ मेन गेट तो, तुसीं देख सकदे हो कितना वधिया बनया होया आ। तो बहुत ही यार बड़ा गुरद्वारा आ, तो तुहानू जाके दिखाउणा। बाकी आले दुआले का माहौल आया, काफ़ी दुकाना वगैरह हैगियां। चलो तो करते हैं वीडियो की शुरुआत, तो तुहानू अगे दिखाउणा हाँ। एक गुरद्वारा बहुत ही ज़्यादा बड़ा आ, बड़े एरिए फैलिया, जिवें कि अमृतसर गुरद्वारा आ गोल्डन टैंपल, तो वो नाल ही है। तो बाकी तुसी आ देखो पिछे गेट। बाकी दोस्तों गुरुद्वारे का नाम हैगा जिहड़ा तख्त श्री दमदमा साहिब आ, जो कि तलवंडी साबो बठिंडा दे विच है, जिथे मैं आया। तो बाकी बहुत बड़ा गुरुद्वारा यार, तुसी देख के आप कहोगे कि बहुत वधिया बनया होया है। तो बाकी अपने लिए बहुत ज़्यादा इतिहासिक चीज़ा इत्थे, मीनस मंजी साहब ते होर ग्रंथा ते शहीदियां बारे दसिया गया आ। गेट जो तैयार हो रहा है, हजे बिल्कुल तैयार होने वाला ही आ, कुछ कम रहिंदा है तां करके हजे तैयार नहीं होया। सो दोस्तों गुरुद्वारे के बाहर पहला शुरुआत हो जाती है दुकाना की, जो कि देख सकते हो पिछे मेरे लगिया हुई आ। हुण तां सवेर का टाइम है, बहुत घट आ, बट जदों जदों टाइम अगे हुंदा गया दुपहर के टाइम तो सारिया दुकाना लग जाऊंगियां। तो सवेर के टाइम मैं तुहानू दिखा दिंदा किहड़ियां किहड़ियां दुकाना है, देख सकते हो तुसी। तो आ जांदियां फोटोआं, तो मैं तुहानू नाम भी पूरा दिखा दिंदा गुरुद्वारे का, तख्त श्री दमदमा साहिब गुरु का शहीद तलवंडी साबो बठिंडा। तो आ गुरुद्वारे का व्यू आ, बाकी थानू दिखा दिना होर की आ, फोटो च ही सब कुछ पता लग जाना। चल बट इन्ना कही आ। बाकी दोस्तों गुरुद्वारे के अंदर एंटर हो चुके हैं। तो बाकी इतने हैगा लंगर हाल, लंगर हाल तुम जाके लंगर जो मर्जी छक सकते हैं। तो इधर हैगा जोड़ा घर, या अपने चप्पलां बूट जो भी मर्जी जमा करा के अंदर जा सकते हैं तुसी बेफिक्र होके। तो इतों शुरू होंदी है गुरुद्वारे की एंट्री, तो तुम देख सकते हो तख्त श्री दमदमा साहेब गुरु का शहीद तलवंडी साबो। तो इधर भी गुरुद्वारा है, इतने भी दर्शन कर सकते हैं तुम। तो बाकी प्रसाद लेना तो प्रसाद का मत्था टेकना वो भी इधर, ठीक है जी। तो
ਵਿਆਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ। ਲਓ ਜੀ ਕਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੋਹਰੇ ਵਿਊ। दर्शन करने के बाद थानू मैं मंजी साहब पातशाही नौवीं उन्होंने दर्शन करवाना हाँ। तो आ सारे हथियार पाए हुए आ गुरुआ दे। बाकी दोस्तों गुरु साहब के दर्शन कर ले गुरुद्वारे दे विच ते काफ़ी वधिया लगा घूम के जो आप स्कूलों के पढ़िया हुंदा ना गुरुआं बारे वो अज असलियत देख के यार बड़ा वधिया लग रहा है ते नॉलेज भी काफ़ी आ रही है ते जो स्कूलों के पढ़िया वो तो किसी काम का नहीं है जो आप घूमते हैं ना बंदा आप पता एक्सपलोर करता हर एक चीज़ पंजाब दे विच तां यार सारा कुछ ही है देखण नूं जो गुरुआं दा इतिहासिक गुरुद्वारे आ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਨੌਲੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੀ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਹ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਖਤ ਹੈਗੇ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। बाकी एक गुरद्वारा आया पिछे, मैंने नहीं पता ये किड़ा गुरद्वारा आ। तो बस दोस्तों आज दी वीडियो दे विच इन्ना ही, वीडियो वधिया लगे हो तां वीडियो नू कर देना लाइक एंड चैनल नू कर देना सबसक्राइब। इस तो बाद लंगर छक के आपां होर वीडियो लई तैयारी करते हैं ते ब्लॉग्स दे विच डेली बने रहो, डेली ब्लॉग आउणगे हुण।